अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट, प्रवासी मजदूरों के संकट और सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मुझमें कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी को भी दिक्कत या परेशानी ना हुई हो। उद्योगों में काम कर रहे लोगों, प्रवासी मजदूरों और कामगारों ने इस दौरान असाधारण कष्ट झेला है। मोदी ने कहा कि बीते एक साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। पीएम मोदी ने बताया कि अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को याद हैं। अंत में उन्होंने लिखा कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए।